सूरत में शुरू कर फॉरेन पोस्टल सेवा ना उद्घाटन कार्यक्रम में भाजप प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल संबोधन कहूं अत्यारे सूरत नो सोनेरी समय सूरत जे मांगे छे ते मळी जाय छे। दाहोद में सिंगवड़ राणीपुरा गाम में महिला पर दीपड़ाए कर हमलो हाथ में इजा थता महिला ने सारवार माटे वडोदरा खसेड़ाय वन विभाग की टीम घटनास्थले पहुंची शुरू करी कार्यवाही। दिवाळी तहेवार ने लई अमदावाद रतनपुर में खरीदी माहौल जाम्यो छेल्ली गळीए लोग खरीदी माटे उमटिया कपड़ा थी लई अलग अलग चीज वस्तुओं ने लोगए खरीदी करी। भावनगर किसान मोर्चाए वर्च्युअल खेडूत संवाद कार्यक्रम योजो बुदेल नजीक खेडूतना फार्म पर कार्यक्रम योजाओ ड्रेगन फ्रूट की आधुनिक खेती कई रीते करी शकाय तेनी खेडूतोने आपी माहिती खेडूत संवाद में भाजपना आगेवानो अने खेडूतो रह्या हाजर। महेसाणा में दिवाळी तहेवारों दरमियान एक तरफ डूंगी होलसेल भाव में थयो घटाड़ो डूंगी भाव 40 से 50 रूपया किलो थी घटी 20 से 25 रूपया किलो आगामी दिवसों में डूंगी की आवक पड़ता भाव में हजू पण घटाड़ो थवानी आशंका। राजकोट पुलिस नवतर प्रयोग रात्रि पेट्रोलिंग में साइकिल उपयोग शापर वेरावल और बेटोड़ा जीआईडीसी की शुरूआत आगामी समय में धोराजी जेतपुर गोंडल में शुरू कराशे साइकिल पेट्रोलिंग साइकिल पेट्रोलिंग पर जनारा कर्मी हशे जीपीएस सीस्टम से सज्ज। देवभूमि द्वारका सलाया में गटर पानी की समस्या गटर पानी उभराई ने रस्ता पर आयु लोग ने हैरान कर दी नगरपालिका की बेदरकारी सामने आई भूगर्भ गटर में खामी हो दावो लोग घर और दुकाने बहार गटर पानी। नवसारी नगरपालिका विस्तार में पानी काप की समस्या साथ साथ पानी वेरा सहित अन्य वेराओं में वधारो सफाई वेरो ड्रेनेज वेरो तेमज मिलकत वेरा में वधारो कर। अमदावाद घाटोड़िया में थे सीनियर सीटिजन दंपति की हत्या की तपास चालू एफएसएल की टीमें करू घटनास्थल निरीक्षण क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की टीम सीसीटीवी फूटेज और कॉल डिटेल्स आधार कर रही है तपास। सुरेन्द्रनगर वढ़वाण गाम की सीमा में ज परिणीता साथ दुष्कर्म थयो आघात में पीड़िताए झेरी दवा घटघटा आपघात कर फरियाद नोधी वधु तपास हाथ धरी। वडोदरा में लॉकडाउन दरमियान कोरोना वॉरियर पुत्र ने मार मारवानो मुद्दो हाईकोर्ट में पहुंचो हाईकोर्टे पुलिस ने फटकारी नोटिस पाणीकेट पुलिस ने हाजर रहेवा कोर्टनो आदेश। अमदावाद में वधु एक हत्या बनाव बन्यो शहर विजलपुर में 6 शख्सों युवक ने तीक्ष्ण हथियार घांची की हत्या करी युवक नो सारवार दरमियान मौत थयो मृतक अने हत्यारो धरावे छे गुनाहित इतिहास। सुरेन्द्रनगर पाटड़ी जैनाबाद गामे आधेड़ की हत्या रहनाक मकान में चोरी करवा तस्करों आधेड़ की हत्या कर फरार थी गया चोरी दरमियान आधेड़ जागी जता पकड़ाई जवा बीके हत्या कर तारण पुलिस हाथ धरी तपास। सूरत में पिता जत्यारा बनया मखाई पुल पर पिताएज बाड़क ने नदी में फेंकी मौत ने घाट उतारा खुलासो अगाऊ भी चर्चा थी कि बाड़क सेल्फी लेता नदी में पड़ो परंतु पुलिस पूछपरछ में भांडो फूटो पिता सईद इलियास शेखे कबूल्यू कि करकंकास में 12 वर्ष पुत्र ने नदी में फेंको। अमरोली कोसाड़ा वस में रहता आरोपी पिता की धरपकड़ मृतक बाड़क छेला अढ़ी महीना माता साथ रहते पिता थोड़ा दिवसों पहला पत्नी पास थी लई आया था जो कि पुत्र ने माता प्रत्ये वधारे लगाव पति ने आ बाबत खूंचती थी। सूरत पसाणा थैया गाम नहर में अजाणिया युवक नो मृतदेह बढ़ो पुलिस मृतदेह नो कब्जो ले ओळख माटे शुरू करी तपास। सुरेन्द्रनगर लींबड़ी शियाणी गाम में ताजी जन्मेली बाड़क मड़ी आयो मृतदेह मकान काटपाड़ में मृत हालत में बाड़की मड़ी आता पुलिस घटनास्थल ने लीधी मुलाकात बाड़की मृतदेह ने लींबड़ी सीविल होस्पिटल खसेड़ा। सुरेन्द्रनगर में वीज तंत्र की घोर बेदरकारी सामने आई वीज शॉक थी युवक नु घटनास्थले मौत थी गयु शहर 80 फूट रोड पर युवक पसार थत समय बड़ी घटना। अमदावाद में श्रीनाथ कुरियर ट्रांसपोर्ट की ट्रक में दारू झड़पायो सोला पुलिस दारू और बियर भरेली ट्रक साथ बे आरोपी की धरपकड़ कर राजस्थान पासिंग ट्रक में दारू निकलता था हेराफेरी। अमदावाद में वेपारी साथ तोड़ कर पैसा उघरावती गैंग झड़पाई पुलिस एक बे एमडब्ल्यू कार कब्जे कर बे आरोपी की करी धरपकड़ सरकारी अधिकारी होवानु कही तोड़ करता था आरोपी। साबरकांठा ईडर में आवेला बाढ़वा गामे 153 किलो चंदन लाकड़ा साथ 3 शख्स झड़पाया शंकास्पद टेम्पो बांधी पुलिस मळ्यु 3 लाख रूपया चंदन लाकड़ू कुल 5 शख्स विरुद्ध नोंधायो गुनो।
સુરતમાં સામે આવી લવજે હાર્દિક ઘટના. પુણામાં રહેતા મુસ્લિમ યુવક પર ઇન્દુ કિશોરીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી ભગાડી ગયો હોવાનો આરોપ. પોલીસે આરોપીને ઝડપી કિશોરીને છોડાવી આરોપી વિરુદ્ધ લવજેહાદની સાથે અપહરણનો ગુનો દાખલ. માતા પિતા માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો. નવાગામના ડિંડોલીમાં બાળક ફટાકડા ગળી જતા મોત થઈ ગયું. બાળકને ઝાડા ઉલટીમાં પોપઅપ ફટાકડા નીકળ્યા. બાળકની તબિયત તથડતા કરાયો તો દાખલ. બિહારના પરિવારે એકનો એક પુત્ર ગુમાવ્યો. સુરતમાં પેટ્રોલ પંપ પર ફટાકડો ફોડીને ભાગી જનાર ટીખળખોરની કરાઈ ધરપકડ. ઉમરા પોલીસે સીસીટીવીના આધારે બે વિધર્મી યુવકને ઝડપી પાડ્યા. શહેરના વેસુમાં સોમેશ્વરાચાર રસ્તા પાસે રાધે પેટ્રોલ પંપ પર બની હતી ઘટના. રાજકોટના ગોંડલ રોડ પર આવેલી મોબાઈલ શોપમાં ઘૂસ્યા તસ્કર. અંદાજિત 60 કરતા વધુ મોબાઈલ ફોન અને 6 લાખ રૂપિયાની કરી ચોરી. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે શરૂ કરી તપાસ.